हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वी के प्रसाद। बाकी समझदार हो? यूट्यूब चैनल है ना, कौन सा है? वी आर क्लासेस। वी आर क्लासेस मींस वी आर क्लासेस। सर वी आर क्लासेस या वी आर क्लासेस, समझदार हो? दोनों का मतलब एक ही है, वी आर क्लासेस। ओके, वी आर क्लासेस में एक बच्चा पूछ रहा है सर वी आर क्या, बात बताऊंगा। ओके, वी आर क्लासेस को छोड़ो, यूनिट नंबर 5 पे आ जाओ। हमारा टॉपिक है, एग्जाम में देना है। वी आर क्लासेस काम नहीं आएगा, यहाँ पर टॉपिक काम आएगा। यूनिट नंबर 5, क्या नाम है भी इसका? सर अभी आपने बताया था इलेक्ट्रो। अच्छा आगे भी तो बोलो, इलेक्ट्रो नहीं बोलूंगा, आगे बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अच्छा इस बार क्वेश्चन आया था इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें क्या थियरी है, मजेदार नहीं है, रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अरे क्यों रखना पड़ता है, अब इसको समझो ना भी, ये क्या है। तो एक बार मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ रहे हो तो इससे पहले फिर से एक टॉपिक को पढ़ लेना। कौन सा? तो एसी में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? तो एसी में आपने पढ़ा था एलसी ऑसिलेशंस, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब पहली बार उसको स्टडी की गई तो उसमें मालूम चला कि उसमें के अंदर, उसके अराउंड एक एंटीना लगा दिया जाए तो उसके अराउंड एक वेव्स डेवलप होता है, जिसके पास एनर्जी कैरी करने की एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी हमारे अंदर भी है, बोर्ड को क्रैक करने की, 95 लाने की, 100 लाने की लाएंगे। डोंट वरी सर, आपका आवाज स्लो हो रहा है, कोई बात पास करेंगे अभी। तो इसमें टॉपिक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बेटा जो भी बताया जा रहा है पूरा रिसर्च किया हुआ है, इसको एनालाइज करके बताई जा रही है। इट इज द टॉपिक जो आपको आनी ही चाहिए, किसी भी हालत में पढ़ना है तो पढ़ना है इसको। ओके टॉपिक फर्स्ट, क्या है ये टॉपिक फर्स्ट? टॉपिक फर्स्ट को देखेंगे सर आवाज आ रही है। टॉपिक फर्स्ट में एक साइंटिस्ट है। कौन से साइंटिस्ट है? ऑफिशियली एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। सर क्या हुई? मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में पढ़नी है, मैक्सवेल्स इक्वेशन। अच्छा सर कौन सा इक्वेशन है? मैथ्स में काम आएगा? मैथ्स में काम नहीं आएगा। इसके साथ में एक और, अच्छा कौन सा है भाई? अच्छा मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दिए हैं, 4-5 इक्वेशंस हैं मैक्सवेल ने, अलग अलग थियरी जितने हमने पीछे पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमआई। उन सब से कुछ इक्वेशंस को अडॉप्ट किया, उसमें से निकाला, निकालकर कलेक्शंस बनाया, उसी कलेक्शंस को मैं आपको बताऊंगा, और उसके सिग्निफिकेंस को लिया, रिलेट किया किसके साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ। और कुछ इक्वेशंस दिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक खास बात मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आप जितनी भी अजीबोगरीब चीजों को सोच लो, उससे ज्यादा, कई ज्यादा अजीबोगरीब चीजें, स्ट्रेंथ्स बिल्कुल इसके अंदर है। इसके अंदर इसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारी वेदास में है, हम उसके बारे में समझेंगे क्या क्या चीजें है। और ये काफी एडवांस फिजिक्स बोली जाती है, रियली दिस इज मॉडर्न फिजिक्स। किस तरीके की चीजें हैं इसके अंदर? तो इसके साथ में पढ़नी है लॉरेंज। सर लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स के बारे में आनी चाहिए, मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में आनी चाहिए। हालांकि लॉरेंज फोर्स हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ चुके होंगे, जब आप इस टॉपिक को सिस्टमैटिक पढ़ोगे, आप नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ में, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ओके इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर सेकेंड में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। सर ये क्या है? अच्छा डिस्प्लेसमेंट करंट कोई नई चीज तो नहीं है? अरे बेटा कोई नई चीज नहीं है, लेकिन है बड़ी मजेदार टॉपिक। एक डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमें पढ़नी है, एक नए टाइप के करंट को इंट्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एम्पियर सर्क्यूलर लॉ ने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिंग करंट था, उन्होंने बोला कि सिर्फ कंडक्टिंग करंट होता है, जिसको आईसी के नाम से हम जानते हैं, आईसी कंडक्टिंग करंट, टोटल करंट को उन्होंने ये बोला था। ये किसने बोला था? एम्पियर साहब ने बोला था, एम्पियर साहब ने इसके बारे में बोला था। लेकिन जब मैक्सवेल साहब ने इसको रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि टोटल करंट जो होता है बेटा, वो कंडक्टिंग करंट के साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट का समेशन होता है, और दिस इज अ न्यू थिंग्स, सो गोइंग टू डिस्कस इन दैट टॉपिक, एंड वी हैव टू स्टडी ऑन दैट आवर लेवल डिस्प्लेसमेंट। So what is displacement current? What is their features, their characteristics? We should discuss. It's very important. And their mathematical formation also. इसमें टॉपिक थर्ड क्या होगा बेटा? तो टॉपिक थर्ड में हमें बेटा इसके बारे में समझ नहीं है कि what is electro, अच्छा
इलेक्ट्रो, आगे बोलो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स एंड देयर, सर देयर तो लिखा नहीं, कोई बात नहीं लिख देता हूं, एंड देयर फॉर्मेशन यानी कि किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बना सकते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जो आपको पढ़नी है, बेटा इसको ऐसे अरेंज किया है ना कि आप सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी बुक को उठाओ और इसके साथ पढ़ो, आई गारंटी हर एक टॉपिक आपका क्लियर होनी चाहिए, छूटेगा कुछ भी नहीं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और कोई बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से अगर इन सिस्टमैटिक चीजों को पढ़ रहे हो तो। ओके, इसके अलावा आपको मालूम होनी चाहिए कि ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कंटेंट है मेरा हमारे पास, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अच्छा इसमें हमें इसके बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को समझनी है, उसकी प्रॉपर्टीज को समझनी है, ये आपको मालूम होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज। ओके राइट, इसके अलावा हमें मालूम होनी चाहिए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट है हर्ट्ज, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर को समझाने के लिए, जिन्होंने उन्होंने रिसर्च में बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इंपोर्टेंट फीचर्स को भी समझाया इन्होंने, उस इंपोर्टेंट फीचर्स के बारे में हमें समझना है। अच्छा एक और चीज समझनी है, मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, आई रिपीट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सर साउंड चेंज हो गया कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में समझनी है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा सर इसके अलावा आठवां टॉपिक, सर फिर से वही लग रहा है, क्या लग रहा है भी बता दो, न्यूमेरिकल, अच्छा सर इसके अंदर भी न्यूमेरिकल है, क्यों नहीं होगा भी, हाँ किसका ही बनता है, न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। अच्छा नोट करना है, जल्दी नोट कर,